हेलो आज का हमारा जो वीडियो है वो साइटोकाइन्स के ऊपर है तो साइटोकाइंस एक लो मोलिकुलर मास थर्टी किलो डाल्टन के सॉल्युबल प्रोटीन या ग्लाइकोलोप्रोटीन है जो नॉन यू नॉन इम्यूनोग्लोबुलिन इन नेचर होते हैं अब साइटोकाइनिन कुछ मेजर रोल प्ले करते हैं जैसे डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर एंड ह्यूमनल रिस्पॉन्स

इम्यून सिस्टम की सेल्स रिलीज करते हैं तो साइटोकाइनन को रिलीज करते हैं इम्यूनो सिस्टम की सेल्स तो साइटोकाइनन को मेनली मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स रिलीज़ करते हैं लेकिन इसके अलावा भी इनको इंडोथीलियल सेल्स या फिब्रोब्लास्ट सेल्स रिलीज करते हैं साइटोकाइन की ओरिजिन के आधार पर ये बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं जैसे लिफोकाइंस तो लिम्फोकाइंस को लिम्फोसाइट की सेल्स रिलीज करते हैं मोनोका मोनोकाइंस को मोनोसाइट्स और माइक्रोफेजस सेल्स रिलीज करते हैं इसी प्रकार से कीमोकाइंस है इंटरल्यूकिनस है और इंटरफेरॉन्स ये सब साइटोकाइन है अब साइटोकाइन के बहुत सारी कैटेगरीज हैं जैसे हीमेटोपोटिनस इंटरल्यूकिन इंटरफेरस और कीमोकाइंस और टी एन एफ फैमिली तो टी एन एफ फैमिली का पूरा नाम है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अब इंटरल्यूकिनस क्या हैं तो इंटरल्यूकिनस को ल्यूकोसाइट्स सीक्रेट करती हैं तो इंटरल्यूकन्स को ल्यूकोसाइट्स सीक्रेट करती हैं इसमें से ज़्यादातर जो इंटरल्यूकिनस का जो को सिंथसाइज करते हैं तो सी डी फोर प्लस टीलिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस और इंडोथीलियल सेल्स ये चारों सेल्स इंटरल्यूकिन्स का सीक्रेशन कराती हैं ल्यूकोसाइट से इसके अलावा इसका मेन काम है डेवलपमेंट और डिफ्रेंशिएशन को प्रमोट करना तो प्रमोट डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन टी सेल बी सेल और हीमो सेल्स इसी प्रकार से कीमोकाइंस तो कीमोकाइंस भी छोटे स्मॉल प्रोटीन्स है जो कि चार कन्ज़र्वसिस्टीन रेसिड्यूस हैं फोर कन्ज़र्वसटीन रेसिड्यूस हैं और कीमोकाइंस का मेन काम है जीपीसीआर को एक्टिवेट कराना इसी प्रकार इसी प्रकार से इंटरफेरॉन तो इंटरफेरॉन ह्यूमंस में तीन टाइप के होते हैं टाइप वन इंटरफेरॉन टाइप सेकंड इंटरफेरॉन टाइप थर्ड इंटरफेर ही तो ये बहुत सारी कॉलोनी ट्यूमिला फैक्टर्स हैं सी एस एफ तो सी एफ एस में जैसे जी सी एस एफ हो गया जी एम सी एस एफ हो गया एम सी एस एफ इसके अलावा ईपो इिथ्रोपोटीन एस सी एफ स्टेम सेल फैक्टर एस सी पी एफ स्टेम सेल प्रोलीफ्रेशन फैक्टर और बहुत सारे इंटरल्यूकिन हैं जैसे आई आई एल वन आई एल थर्ड आई एल फोर आई एल फाइव आई एल सिक्स आई एल, एल और आई एल ट्वेल्व तो ये सब हीमोटोपोइटिनस हैं